वेलकम टू आस्क एमबीए। नाउ गाइस, सीईटी एग्जामिनेशन खत्म हुआ। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट आफ्टर सीईटी। मैं इस वीडियो में ये बात नहीं करूंगा कि आपको कैप राउंड में क्या करना है क्या करना है। ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू मेक वीडियो फॉर दैट कि कैप राउंड कैसे होगा क्या होगा, बट देन सीईटी एग्जामिनेशन के बाद जो टाइम है, हाउ टू यूटिलाइज दिस टाइम प्रोडक्टिवली, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो सबसे पहली चीज है जो मैं आपसे चाहूंगा, एमएस एक्सेल ये सब तो दुनिया भर की बात है, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू स्टार्ट लर्निंग इन्वेस्टमेंट। ये एक सबसे बड़ी चीज है जो मैं भी लैक करता हूँ, इवन आई एम लर्निंग नाउडेज दैट थिंग। आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आप किस किस तरीके से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, ज़्यादा पैसा है, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट्स, शेयर मार्केट, कमोडिटीज लाइक गोल्ड एंड वॉट नॉट। तो गाइज, तुम्हें इन्वेस्टमेंट सीखना चाहिए। By this way, you can not only learn a skill, but आगे जाके future में चीज़ें काम भी आ सकती हैं। If you want to do MBA or MMS in finance, nothing like it. दूसरी चीज़ जो मैं आपसे suggest करूँगा, मैं बोलूँगा learn a language. Learn a language means, of course, English तो आनी चाहिए। I am talking about a European language. कोई तो European language हो गई, जैसे कि Spanish हो गई या German हो गई, या अगर आपको Spanish और German अच्छी लगती तो आप Italian, whatever. I want you guys to learn a foreign language. So I want you guys to learn investment and also try to learn a different language. तीसरी चीज, अगर आप कुछ कर सकते हो, there are three pointers in this video I'm going to give. The third thing is, I want you guys to get into the habit of reading. Yes, I'm sure अगर आपने कोई भी verbal session attend किया होगा मेरा या किसी भी faculty का, उसने हमेशा बोला होगा कि किताबें पढ़ो किताबें पढ़ो। ऑफ कोर्स किया नहीं किया बात की बात है। यू कैन स्टार्ट रीडिंग एनी टाइप ऑफ बुक, इट कैन बी अ फिक्शन, तुम फिक्शन पढ़ सकते हो, यानी काल्पनिक कथाएं, आप हिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ सकते हो कुछ भी, यानी नॉलेज से रिलेटेड जिससे आपका बढ़ेगा, या तो सेल्फ हेल्प, एनी काइंड ऑफ बुक आई वॉन्ट यू गाइज टू स्टार्ट रीडिंग। सो दीज आर थ्री एक्टिविटीज विच आई वॉन्ट यू गाइज टू डू आफ्टर सीईटी एग्जामिनेशन। गाइज, सीईटी एग्जामिनेशन के बाद कैप राउंड होगा और आपका इंटरव्यू नहीं होगा। एक भी बहुत बड़ा रीजन है कि बहुत सारे लोग सीईटी एग्जामिनेशन इसलिए देते हैं क्योंकि उनको इंटरव्यू से डर लगता है, फाइन, बट देन मेक श्योर एंड अंडरस्टैंड जॉब के लिए इंटरव्यू होगा। एट दैट पॉइंट इन टाइम योर स्किल्स आर गोइंग टू बी गेज, हाउ वेल यू आर अवेयर अबाउट थिंग्स, हाउ यू कम्युनिकेट एंड वॉट नॉट। सो दीज स्किल्स आर डेफिनेटली गोइंग टू एड अप। दीज आर द हॉबीज और स्टफ यू कैन डू। That's it guys, at Ask MBA we will keep on guiding you, mentoring you, we will keep on informing you about how the structure of going, getting into a top B school and whatnot. Please make sure that you share, like and subscribe. Thank you and yes, stay blessed.